हेलो गाइस, वेलकम टू द स्पाइस विज़र्ड चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चटपटा रेतीली चुड़ैल, ओ सॉरी मेरा मतलब सैंडविच। तो बारिश का सीज़न हो और हम सैंडविच ना बनाएं, ऐसे कभी हो सकता है? नहीं। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा यूनिक सा सैंडविच की रेसिपी। तो ये सैंडविच आप देख सकते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये कोई चीज़ लोडेड नहीं है, ये एकदम वेजिटेरियन और बहुत ही हेल्दी सैंडविच होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये देखिए, सैंडविच की फिलिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑनियन, ककुम्बर, टमाटो, ग्रीन चिली और मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू को अच्छे तरीके से बॉईल करके उसे यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से क्यूब्स में फाइनली चॉप कर लिया है, हमें ज़्यादा भी फाइन नहीं चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है। आप यहाँ पे हो सके तो आप बीट रूट डाल सकते हैं, कैबेज और कैरेट भी डाल सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। तो मैंने यहाँ पर इन सब्जियों को अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लिया है। आप इसके अंदर लेटस भी डाल सकते हैं, बहुत ही क्रंचीनेस होता है उसमें। सो ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं हमारे कुछ मसाले, लाइक नॉट मसाला। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाला है ऑरिगेनो और हॉट चिली फ्लेक्स डाला है मैंने यहाँ पे। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा लाइक मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला ये बहुत हेल्दी होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल लिया है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है ओरिगैनोस, उसको भी मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून ऐड कर लिया है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे ऐड किया है सॉल्ट। तो सॉल्ट आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसके बाद से मैं कुछ सॉस डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1000 आइलैंड सॉस, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है टमाटो सॉस, यहाँ पे मैंने डाला है मेयोनीज। तो मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे एक एक टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आपको यहाँ पे मेयोनीज ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ पे कर्ड यूज़ कर सकते हैं, हंग कर्ड यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही थिक होता है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है हाफ टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो ये जाने वाले हैं हमारे सैंडविच के अंदर। सो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है चाट मसाला। आखिर इंडियन सैंडविच के अंदर चाट मसाले के बिना वो चटपटा कैसे बनेगा गाइस? तो ये देखिए, मैंने इसको भी डाल के अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐड कर लिया है सारे मसालों को। फिर मेरे घर में तो ये ब्रेड पड़ा हुआ था तो मैंने ये लिया है ये ब्रेड। अगर आपको बड़े साइज़ का चाहिए तो आप वो लेके आ सकते हैं बेकरी से। तो मेरे पास ये छोटे वाले मिनी ब्रेड के स्लाइसेस थे तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया है। अगर बड़ा वाला ब्रेड का स्लाइस रहेगा तो और बेटर होगा। तो मैंने सारी फिलिंग्स को इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप इसके ब्रेड के स्लाइस में आप चाहे तो केचप हो जाए या फिर चटनी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने बोला ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है तो आपको बस ये चॉप करना है सारे चीज़ें, इसमें कुछ सॉस एंड मसाला मिलाना है एंड दैट्स इट। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो मैंने सारे फिलिंग्स को अच्छी तरीके से ब्रेड पे मैंने रख दिया है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिया है शेव दो फ्लेवर्स के, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक गार्लिक फ्लेवर का और एक अपना नॉर्मल। इसमें से बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड होता है एंड कुछ यूनिकनेस भी आता है सैंडविच में।
इंडियन का टचअप आ जाता है इस अच्छे से सैंडविच में। ओके, सो मैंने सारे सैंडविच को यहाँ पे सेम तरीके से बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे अब उसको हम जाने वाले हैं रोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर और सारे सैंडविच को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसे हम दोनों साइड से फ्लिप करके इसे बनाएंगे और इसे अच्छे से गोल्डन क्रंची जब तक वो ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड अच्छे तरीके से यहाँ पे बटर लगा लिया है। मैंने यहाँ पे अमूल का बटर यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे घी यूज़ कर सकते हैं, घी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे गोल्डन गोल्डन सैंडविचेस एकदम रेडी हो गया है। तो मैंने सेकेंड बाइट भी इस तरीके से यहाँ पे बना लिया है, लुक्स टेम्प्टिंग ना। देखिए इसका कलर, ये बहुत ज़्यादा क्रंची बना था ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा था इसका। ये देखिए इसका क्रंच ऊपर से। सो यहाँ पे सैंडविचेस एकदम रेडी हो गया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। सो आप इसे किसी भी डिप के साथ या चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये एकदम पार्टीज के लिए या फिर छोटे मोटे भूख के लिए तो बेस्ट रेसिपी एवर। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे ज़रूर घर पे बनाएं एंड ट्राई करें। छोटे मोटे भूख के लिए तो बेस्ट रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।